राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, पहले हमने आपको मैसी का दिखाया 241 DI डायना ट्रैक, जो 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता है, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आता है वो। उसके अलावा जो हमारे किसान भाई 45 HP के ऊपर का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने सोचा कि ज़रूर दिखाएं। और एक हमारे किसान भाई हैं, नेपालपुर के ही हैं वो, उन्होंने हमसे बोलते हैं अनुरोध किया था सर कि 246 डायना ट्रैक का सर रिव्यू करो, उसके बाद उनको ट्रैक्टर लेना है। तो हमने बोला था उनको डेफिनेटली हम करेंगे। तो भैया लो, आपके लिए पेश है 246 मैसी फर्ग्यूसन डायना ट्रैक। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आता है, 46 हॉर्स पावर का कैटेगरी का ये ट्रैक्टर आता है, और इसके अंदर भी आपको बहुत ही शानदार फीचर मिलने वाले हैं। सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, इसके अंदर आपको 24 गियर मिलने वाले हैं। कितने गियर मिलने वाले हैं भैया? 24 गियर मिलने वाले हैं। सेटल शिफ्ट के साथ में ट्रैक्टर आता है, उसके अलावा OIV ब्रेक मिल जाते हैं, डुअल क्लच मिल जाती है। PTO की बात करें तो इसके अंदर आपको LPTO, ग्राउंड PTO, MR PTO, फॉरवर्ड PTO, रिवर्स PTO, सारे PTO मिल जाते हैं विथ गियर लीवर। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ें आपको मिलती हैं। लिफ्टिंग की बात करें तो 2050 kg का वजन ये आसानी से उठा सकता है ट्रैक्टर। उसके अलावा और जो जानकारी है वो हम आपको जरूर देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले हम अगर बात करें इसके डिज़ाइनिंग के बारे में, तो बहुत ही शानदार डिज़ाइन, मैसी फर्ग्यूसन का जो लेटेस्ट लुक आता है वो है ये ट्रैक्टर में है। उसके अलावा डायना ट्रैक की बैजिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है, डुअल टोन में ट्रैक्टर आता है। अगर फ्रंट की बात करें तो बहुत ही शानदार लाइट्स आपको इसकी मिल जाती हैं, मैसी का बैजिंग मिल जाता है, जाली मिल जाती है आपको यहाँ पर दिख रही होगी। उसके अलावा आपको इसके अंदर ऑयल टाइप का फिल्टर मिलने वाला है। साइड में बिल्कुल ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए आपका अल्टरनेटर होता है या अंदर की जो भी चीज़ें हैं सबको इन्होंने क्या किया है, इसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है। उसके अलावा इसके अंदर बात कर लें स्टेयरिंग की, तो आपको पावर स्टेयरिंग मिलता है और सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। टायर साइज की बात कर लें तो इसके अंदर 6/16 का आगे का टायर और 14/9/28 का बैक टायर मिल जाता है, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। अब हम इसका बोनट एक्सेस करते हैं, तो बोनट एक्सेस करना मतलब यहाँ से आपको बस इसको दबाना है और उसके बाद आपका ये फिल्टर निकालना है। तो इसको इस बटन को करना है और आगे की दिशा में खुलेगा, बस थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए कंपनी को तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं दिखा दूँ, सबसे पहले आपको फ्रंट में बैटरी मिल जाती है, ऑयल टाइप का फिल्टर मिल जाता है आपको, यहाँ पर पावर स्टीयरिंग ऑयल का ले मिल जाता है, यहाँ पर आपको वाटर कूल्ड इंजन मिल जाता है। उसके अलावा ये आपका सिमसन कंपनी का इंजन मिलता है, देख लीजिए सिमसन T3A S3255F31 डीजल इंजन मिलता है, चेन्नई मतलब अपग्रेडेड इंजन आपको मिलने वाला है। उसके अलावा किसान भाइयों, इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 46 हॉर्स पावर का पावर मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलने वाला है और 2000 RPM पे काम करता है, ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा किसान भाइयों, हम दिखा दें पंप के बारे में, तो इनलाइन पंप आपको मिलता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनलाइन पंप मिलता है, बॉस कंपनी का पंप आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक फिल्टर भी लगाया गया है, इसको आप बोल सकते हैं ड्रेन वाटर रेगुलरली, मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कभी आपके डीजल के अंदर कोई वाटर के कण आ जाते हैं, ठीक है वाटर आ जाता है तो आपका ट्रैक्टर खिरखिर खिरखिर करता है, तो अब वो खिरखिर खिरखिर नहीं करेगा, पहले डीजल इसके अंदर जाएगा, फिल्टर होकने के बाद ही आपके ट्रैक्टर के इंजन के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा ट्रैक्टर के इंजन की लाइफ सालों साल बढ़ जाएगी केवल इस एक फिल्टर की वजह से। तो नई हमारे देश की है कंपनी मैसी, आप सभी लोग जानते हो, तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है कंपनी ने। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मैसी का इंजन काफ़ी माचो होता है, आपने आज तक देखा होगा मैसी का ट्रैक्टर कभी आगे से उचकता नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिले कि मैसी का ट्रैक्टर आगे से उचके, क्योंकि इतना वेट ही होता है इसके अंदर। उसके अलावा किसान भाइयों, यहाँ पर हम इसका बोनट बंद करते हैं, मैंने बता दिया फ्यूल टैंक करीब करीब 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसके अंदर मिल जाएगा, मतलब अपने और एवरेज का तो मास्टर माइंड होता है सिमसन कंपनी का इंजन। अब हम आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर इसको बंद करते हैं, ये आपका यहाँ पर बंद हुआ। तो किसान भाइयों चलते हैं इसके सीट पर, तो भैया यहाँ पे चढ़ने के लिए आसान है, यहाँ भी पकड़ने का दिया है, काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा आ गए हम सीट पर, आप सीट को भी एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे। तो सबसे पहली बात हम बता दें आपको, इसके अंदर
इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दें, उससे पहले हम बता दें ड्वेल क्लच मिल जाती है, ओआईबी ब्रेक मिल जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अंदर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल प्लस एनालॉग का मिक्सअप मिलता है आपको, बहुत शानदार। उसके अलावा स्टेयरिंग की बात करें तो बिल्कुल ट्रक स्टाइल की बड़ी चौड़ी स्टेयरिंग मिलती है, मतलब फील करेगा जैसा हम ट्रक चला रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर सेटल शिफ्ट मिल जाता है, हैंड एक्सेलेटर मिल जाता है, चार्जर मिल जाता है, स्टॉपर मिल जाता है, लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गियर की बात कर लें किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको हाई लो मीडियम के अंदर चार गियर मिलते हैं, तो भैया 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स विथ सेटल शिफ्ट। उसके अलावा आप पीटीओ की बात करें तो आपको यहाँ पर लीवर मिल जाता है, एल पीटीओ, एमआर पीटीओ, फॉरवर्ड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, सारे पीटीओ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो काफ़ी शानदार है। उसके अलावा आपको इसके अंदर यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा किसान भाइयों, कंपनी ने बॉटम की बात करें तो काफ़ी फ्लैट बॉटम ही है, 90% फ्लैट बॉटम आपको मिल जाएगा, और जब आप ट्रैक्टर पर बैठोगे तो काफ़ी ऊंचा फील कराएगा ये ट्रैक्टर। और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर के फेंडल भी आपको काफ़ी बढ़िया शानदार दे के रखे हैं, चढ़ने के लिए आराम। उसके अलावा यहाँ पर कट में बनाए हैं, मतलब थोड़ा डिज़ाइनिंग का भी ध्यान रखा है मेसी कंपनी ने। अब हम चलते हैं इसके बैक में, उससे पहले हम जानेंगे SFC और इसका पीटीओ पावर। हम प्लेट के थ्रू ही आपको बताएंगे, मन से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 265 ग्राम किलो वॉट का SFC मिलता है और 30.5 किलो वॉट का मैक्सिमम पीटीओ पावर मिलता है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, करीब करीब किसान भाइयों आपको 41 HP का पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है, जो काफ़ी शानदार है। एक्सेल आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़े मोटे, बहुत ही शानदार मिलते हैं। बात करें लिफ्टिंग की तो सेंसरी लिफ्ट आपको इसके अंदर मिलती है, मतलब ऑटोमेटिक लिफ्ट आपको इसके अंदर मिल जाती है, 2050 kg का वजन आसानी से उठा सकती है। उसके अलावा पीटीओ की बात करें तो MR पीटीओ, फॉरवर्ड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, ग्राउंड पीटीओ, सारे पीटीओ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि डायनाट्रैक मॉडल है। और इसकी खास चीज़ ये है, गियर बॉक्स जैसे मैंने बताया 24 गियर मिलते हैं, वो भी फुल्ली कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स आपको मिलने वाले हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व दिया है, बस मेरा कंपनी से एक अनुरोध है कि यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व देना आवश्यक है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है तो यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक है, तो ये चीज़ पर थोड़ा सा कंपनी फोकस करना चाहिए। बाकी सर्वगुण संपन्न ट्रैक्टर है, इतने छोटे सेगमेंट 42-46 हॉर्स पावर कैटेगरी ट्रैक्टर के अंदर भी आपको शटल मिल रहा है, वो काफ़ी शानदार है। तो किसान भाइयों बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइसिंग 8 लाख से स्टार्ट होता है। उसके अलावा आप शोरूम पे आ सकते हो, देपालपुर में भी शोरूम है, हाथोद में भी शोरूम है, तो आप आ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, अगर अच्छा लगे तो इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के कहने पे ही हम नए नए ट्रैक्टर के वीडियो लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो आप बस चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप तो एक लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी जोर आता है, बस लाल वाली बटन घिस डालो भैया और जैसी वीडियो आए लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाता। हम तो धूप में, छाँव में, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी मेहनत करते भैया, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है एक लाइक करने में। शायद आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट करके बताओ भैया ये कमी लगी हमको। अब ओवरऑल बात करें कि भैया इसका वेट कितना आता है, तो आप सभी को पता है 2200 kg का वजन इसके अंदर रहता है, लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे हो। किसान भाइयों जैसे मैंने आपको इसके मेन फीचर बता दिए कि क्या खासियत है, और अगर आपको बात करें इस ट्रैक्टर को क्यों लेना चाहिए, तो पहली बात चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको 24 गियर मिलते हैं, शटल शिफ्ट, मतलब जितना आगे जाएगा उतना पीछे जाएगा, सारे प्रकार के पीटीओ मिल जाते हैं, 2050 केजी की लिफ्टिंग मिल जाती है, ये तीसरा फीचर है। चौथा फीचर यह है कि 46 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आता है, और पांचवा चीज यह है इसकी प्राइसिंग भी काफी शानदार रखी है कंपनी ने, और डायनाट्रैक मॉडल है, मतलब बोलते ना मैसी का सबसे चहता मॉडल है। इसके अंदर आप टायर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बड़े टायर भी लगा सकते हो, आपका ट्रैक्टर और बड़ा लगने वाला है, क्योंकि ये ट्रैक्टर फोर व्हील में भी आता है, ऑप्शन में आता है, ये मैं आपको बता दूं, तो काफी शानदार है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।